नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और वो किस चीज का है। आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो वाशरमैन और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी वाशरमैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ट्रेड्समैन मेट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में। आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी नोटिफिकेशन 2022 का लिंक है, वो आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड वाशरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। भारतीय सेना ने मुख्यालय दक्षिणी कमान यानी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड में ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन आर्मी ने हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी कैटेगरी के अंतर्गत धोबी यानी वाशरमैन और ट्रेड्समैन मेट के 65 पदों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 11 जून 2022 से 25 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ऑफलाइन 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो वाशरमैन की पोस्ट है जिसके अंतर्गत 39 पोस्ट टोटल यानी 39 पोस्ट है, जिसमें से अगर जनरल की अगर बात करें तो 19 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है, ईएसएम के लिए 8 पोस्ट और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 39 पोस्ट है वो वाशरमैन की है। ट्रेड्समैन मेट्स की अगर बात करें तो 26 पोस्ट है टोटल, जिसमें से जनरल की 20 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ईएसएम के लिए 3 पोस्ट है और पीएच कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल इस तरह से अगर बात करें तो आपसे 65 पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन अब आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइट एरिया क्या रहेगा आपका, वाशरमैन के लिए अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, यही आपका ट्रेड्समैन मेट के लिए है। किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकार ने सर जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 11 जून 2022 से आपके फॉर्म अब भरने शुरू होंगे। अगर बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है, यानी 25 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो सभी कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, यानी 100 रुपये आपका आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क आपको किस तरह से पे करना होगा, उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान पोस्ट ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा, यानी आपको DD के माध्यम से आपको क्या है अपना जो एप्लीकेशन फीस है वो जमा करवानी होगी। अब बात करते हैं आर्मी ग्रुप सी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट, जो भी रिक्वायर्ड इनमें से वो रहेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा।
इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। तो टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रत्येक पेपर में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक से उत्तर के लिए उम्मीदवारों को एक अंक मिलेगा। परीक्षा की कुल समय अवधि वो 2 घंटे की होगी और प्रत्येक आपका जो पेपर है वो 150 अंकों का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग बताई जा रही है, 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी बताई जा रही है। बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेना, आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी साउथर्न कमांड ग्रुप सी का जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आएगा अल्फाबेट टेस्ट सीरीज आ जाएगी, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस रीजनिंग, काउंटिंग फिगर, इनपुट आउटपुट और नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं इंग्लिश एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा अर्थमेटिक आ जाएगी सारी, यूनिटरी मेथड आ जाएगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आ जाएगी, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स से संबंधित आप क्वेश्चन वो इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाएगा, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, बुक एंड ऑथर, फेमस प्लेस इन इंडिया, डे एंड जो इंपॉर्टेंट डे एंड डेट होती है वो पूछी जाएगी और मिसकेलेनियस से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश का आपका सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में ग्रामर आ जाएगी सारी, वोकेबलरी आ जाएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, होमोफोन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इडियम एंड फ्रेजेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल और सेंटेंस करेक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन वो इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो इस तरह से क्या आपका जो सिलेबस है वो आपसे इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। टेस्ट लगाने तक आपको बता दिया जाएगा कि वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 में से आपको कौन सा भी ऑप्शन टच करना है, जो भी आपको सही लगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपका सही था या गलत था। तो ये टेस्ट है वो जरूर लगाए, मिक्स टॉपिक के आपके टेस्ट है, प्रत्येक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन के टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी की सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपकी जो सैलरी होगी, पे स्केल आपका इसमें लगेगा 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। पे लेवल आपका इसमें रहेगा 2, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी वाशरमैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी वाशरमैन का सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ऑफलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्यों जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, धन्यवाद।